हमारे एक पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था कि 10 महाविद्याएं क्या है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं में सबसे पहली विद्या क्या है। इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं 10 महाविद्याओं के बारे में। दोस्तों, देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, इन सभी में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी का पूजन, साधना और प्रार्थना करना। इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में, देवी महापुराण में वर्णन किया गया है। जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के महायज्ञ में भाग लेने के लिए जाना चाहती थी तो शिवजी ने उन्हें रोक दिया, मना कर दिया। काफी इनकार करने पर माता क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर माता ने अपने 10 रूप प्रकट करके शिवजी को दिखाए। ये रूप इतने भयंकर थे और इन रूपों से निकलने वाली आवाजें इतनी भयंकर थी कि एक बार देवों के देव महादेव शिव भी कांप उठे और कांप कर भागने लगे। तब माता ने अपने 10 रूपों से 10 दिशाओं में शिवजी को रोकने का प्रयास किया। भयंकर दृश्य देखकर शिवजी घबरा गए। माता सती का भयंकर रूप देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया कि मैं दक्ष यज्ञ में अवश्य ही जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी या फिर वहां पूरा विध्वंस कर दूंगी। माता के भयंकर रूप को देखकर शिव सती के सामने आ खड़े हुए और माता से पूछा कि ये कौन है, ये भयंकर रूप किसके हैं। तब सती ने बताया कि ये सभी मेरे ही रूप हैं, जो आपके सामने खड़ी है वो काली है। तो आज इस वीडियो में हम आपको माता सती के 10 भयंकर रूपों, जिन्हें महाविद्याएं कहा जाता है, 10 महाविद्याएं कहा जाता है, इसमें पहला रूप है काली, इसके बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। काली यानी कि महाकाली। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत रूप माना जाता है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना यानी कि खुद के जीवन को संकट में डाल देने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माँ तत्काल प्रसन्न होने वाली माता मानी जाती है, लेकिन तत्काल ही रूठने वाली देवी भी काली ही है। अतः माँ काली की साधना या माँ काली का भक्त बनने से पहले एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है। माँ काली कज्जल पर्वत के समान सौ पर आरूढ़, सौ पर विराजमान, मुंड माला को धारण किए हुए, एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में त्रिशूल, माता के तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर और भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली माँ काली को प्रणाम नमस्कार करके मैं आगे बढ़ता हूँ। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, दुष्टहंता, महिषासुर मर्दनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। लेकिन माता का क्रोध तभी शांत हुआ जब शिव माता के चरणों में लेट गए थे। ऐसी माँ काली प्रथम महाविद्या के रूप में जानी जाती है। 10 महाविद्याओं में काली का स्थान सबसे पहला स्थान है। महाकाली के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लुप्त हो चुके हैं। माता काली की महिमा निराली है। काला रंग और क्रोध से भरी दृष्टि लिए माता दुष्टों के संहार के लिए सदैव तत्पर रहती है। दुष्टों के संहार के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली माता अपने भक्तों और शिव भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती रहती है। जो माँ काली के साधक हैं, जो माँ काली के भक्त हैं,
माता उन्हें समय समय पर अपनी उपस्थिति का आभास भी कराती रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। विभिन्न ग्रंथों में माँ काली के कई नाम और भेद बतलाए गए हैं जो विशिष्ट ज्ञान के लिए ही जरूरी है, लेकिन यदि हम सामान्य तौर पर बात करें तो माँ काली के दो ही रूप मुख्य रूप से प्रचलित हैं। इनमें पहला है श्यामा काली जो दक्षिण काली के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और दूसरा सिद्ध काली गुह काली जिन्हें काली नाम से भी पुकारा जाता है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर यम महाकाल चंद्र राम रावण यम राजा बली बाली वासव जैसे महायोद्धाओं ने भी माँ काली की उपासना करके अकाट्य शक्तियाँ अर्जित की है। माता के रूपों की तरह माता के सिद्ध मंत्र भी कई प्रकार के हैं। अनेक मंत्र हैं जो विशिष्ट साधकों के लिए हैं, लेकिन यदि बात सामान्य साधकों की करें तो उन्हें इस प्रकार के उलझनों से बचाने के लिए सीधे मूल मंत्रों का जाप किया जाना ही उचित है। केवल एक अक्षर का मंत्र क्रीम का जाप भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है, लेकिन काली की पूजा के सभी मंत्रों में 22 अक्षर वाले मंत्र को सबसे अधिक प्रभावी माना गया है। अन्य मंत्रों के प्रयोग में इसी मंत्र के अनुरूप पूजा विधान और यंत्र अर्चना की जाती है। इसका प्रयोग बेहद उग्र और आज की स्थिति में थोड़ा कठिन है, अतः सामान्य साधकों को सलाह दी जाती है कि सामान्य साधक इसके कठिन प्रयोग से बच कर रहें, क्योंकि यह काफ़ी उग्र है। लेकिन फिर भी यदि साधक की तीव्र इच्छा हो और वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के दिशा निर्देशन में ही इसका जाप करें। 22 अक्षरों का बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका बेमतलब हर समय उच्चारण किया जाना उचित नहीं है, तो इसे हर समय बेमतलब उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। आप इस वीडियो को रोक कर इस मंत्र को किसी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि इसे बेमतलब उच्चारण किया जाना उचित नहीं है, इसलिए यहाँ उच्चारित नहीं किया जा रहा है, आप इसे लिख लीजिए। इस मंत्र के जाप की विधि और फल के बारे में बात करें तो यह मंत्र सूने घर में निर्जन स्थान पर या फिर किसी जंगल में स्थित काली मंदिर में इसका उच्चारण किया जाए, इसका जाप किया जाए, इसकी साधना की जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। नदी के किनारे एवं श्मशान में भी इस मंत्र का जाप विशेष और शीघ्र फल की प्राप्ति देने वाला होता है। 22 अक्षर का यह मंत्र आपको साधना के लिए कम से कम 2,00,000 बार जाप करना होता है। कनेर के फूलों से दशांश हवन करना भी जरूरी होता है। माँ काली की नियमित उपासना करने का अर्थ यही होता है कि साधक उच्च कोटि का है, पहले से कई साधनाओं को कर चुका है और उसने पहले ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी गणेश सूर्य और कुछ महाविद्याओं की उपासना कर ली है, तभी माँ काली की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफ़ी कठिन है, उग्र है। साधना के चरम की ओर अग्रसर होने के लिए आपको पहले साधारण सामान्य साधनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। माँ काली की साधना के कुछ कठिन प्रयोग भी हैं, जो साधक स्त्री की योनि को देखते हुए 10,000 जाप करता है वह बृहस्पति के समान होकर लंबी आयु और काफ़ी धन को प्राप्त करता है। बिखरे बालों के साथ नग्न होकर श्मशान में जो साधक 10,000 जाप सिद्ध कर लेता है उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी कठिन प्रयोग है, इसलिए साधारण साधकों को इस प्रयोग से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, 10 महाविद्याओं के बारे में हमने पहले एक वीडियो में जानकारी दी है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप पहले 10 महाविद्याएं क्या हैं इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह साधना ये मंत्र केवल जानकारी के उद्देश्य से ही आपके साथ शेयर किए गए हैं। ये मंत्र काफ़ी प्रभावशाली है और इसके गलत प्रयोग से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है बगैर गुरु की कृपा के, बगैर गुरु की सलाह के, बगैर गुरु के सानिध्य के इस प्रकार की साधनाओं से दूर ही रहना उचित होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी
आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।